सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय छात्र धर्म। तो भाइयों सबसे पहले तो ये फोटो दिखिए। तो भाइयों ये फोटो वायरल हो रहा है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा। तो भाइयों नू मेवात में जो मामला हुआ है वो एक षड्यंत्र था जो कि सरकार का जो डाइवर्ट करने के लिए, जैसे कि हरियाणा में क्षत्रिय समाज भारी विरोध प्रदर्शन कर रहा था कैथल के मुद्दे पर। पहले उन्होंने यमुनानगर में मूर्ति लगवाई, उसके बाद कैथल में लगवाई और इसके बाद इनको फटकार भी पड़ी सरकार को कि मूर्ति के आगे जाति सूचक शब्द कैसे लगाया हाईकोर्ट से। तो वहाँ पर डकने को बोला है लेकिन सरकार ने पता नहीं अभी तक डकी है या नहीं, वो बाद का मसला है। यमुनानगर में लगाई है, यही योगी की बीजेपी सरकार ने यूपी के दादरी में लगाई है, वहाँ पर एक दिन के लिए शब्द हटा, दूसरे दिन फिर से उन्होंने लगा दिया है शब्द। उसके बाद गाजियाबाद जहाँ की ये घटना है, फोटो वायरल हो रहा है, वहाँ पर जो कि गाजियाबाद की मेयर है आशा शर्मा, उसने मूर्ति पर जाति सूचक शब्द लगाया है। तो देखने की बात ये है कि मिहिर बोझ का जो वंश था वो प्रतिहार था और प्रतिहार सिर्फ राजपूतों में होते हैं, जैसे संस्कृत में प्रतिहार था और हिंदी आने के बाद परिहार बना। आज परिहार सभी राजपूत हैं, जो दूसरी जाति है जो क्लेम करती है मिहिर बोझ पर, तो वो ना कन्नौज में मिलती है जहाँ पर मिहिर बोझ ने जहाँ पर उनकी राजधानी थी, ना वो गुजरात में मिलते हैं और ना ही वो मध्य प्रदेश के उस इलाके में मिलते हैं जहाँ पर वो गुजरातरा देश था और गुजरातरा नरेश कहलाए वो प्रतिहार वंश के राजपूत। जैसे दिल्ली पर राज करने वाला दिल्ली नरेश, ऐसे ही गुजरातरा देश पर राज करने वाला गुजरातरा नरेश। तो देखने की बात यह है कि उनके चार तीन चीज़ें हमने क्लियर कर दी, उनमें ना प्रतिहार वंश है और ना ही उनमें वहाँ वहाँ मिलते हैं जहाँ पर उन्होंने राज किया था। तो अब बात आती है कि ये जो फोटो वायरल हो रहा है, फोटो वायरल होने का विरोध हर क्षत्रिय समाज को करना चाहिए क्योंकि इसमें क्षत्रिय समाज का अपमान किया गया है। इस फोटो में लिखा गया है समान भाई से खरीदे भाई जान से नहीं, निवेदक समस्त हिंदू समाज, महाराणा प्रताप के आगे फोटो लगाकर। तो ये कितने बड़े अंधभक्त होंगे जो कि इस देश को दो धर्मों में बांट रही है, ठीक है, और बांट भी कहाँ रही है, क्षत्रियों के कांधे पर बंदूक रखकर। देखिए आप कि इसमें समस्त हिंदू समाज का बोला गया है लेकिन ये महाराणा प्रताप की फोटो लगाकर उसको वायरल किया जा रहा है कि क्षत्रिय समाज कैथल के मुद्दे भूल जाए, दादरी के मुद्दे भूल जाए, गाजियाबाद में मिहिर बोझ की मूर्ति लगी है जो कि स्थानवाचक शब्द है, उसको जाति सूचक बनाकर लगवाई है, उस पर कहाँ चले गए तुम, उस पर आवाज़ नहीं उठी तुम्हारी। और वहाँ पर जो महाराणा प्रताप जिसको पूरी दुनिया जानती है, हमने इसके आगे कभी क्षत्रिय शब्द नहीं लिखाया, वहाँ पर ये लोग निवेदन कर रहे हैं कि समान भाई से खरीदे भाई जान से नहीं। ठीक है आपकी मर्जी है कहीं से भी खरीदे, लेकिन हिंदू जो धर्म है जो सातवीं आठवीं से बाद आया, जो सिंध के पार वाले लोगों को जो हिंदू कहने लगे, पहले तो सबसे पहले जो छात्र धर्म आया था हमारा, और तब चार धर्म थे क्षत्रिय और तीन और थे जो सबसे पहले आए थे, उसके बाद ही ये शब्द आए हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम बौद्ध जैन जितने भी हैं। बौद्ध धर्म भी क्षत्रिय गौतम बुद्ध ने बनाया था जो कि एक गौतम राजपूत थे, जैन धर्म भी क्षत्रियों ने बनाया था और छात्र धर्म हमारा सबसे पुराना है। उस छात्र धर्म का अपमान कर रहे हैं, क्या हिंदू धर्म की ठेकेदारी राजपूतों ने उठाई है? आप मुझे बताओ कि हर बार राजपूतों को मेरे कांधों पर बंदूक रख कर तो वो इस्तेमाल किया जाता है। जब मिहिर बोझ की मूर्ति गाजियाबाद में लगी तो वहां पर विरोध करने कोई हिंदू समाज का बंदा नहीं आया, तो जहां पर समस्त हिंदू समाज महाराणा प्रताप की मूर्ति के आगे लिखकर क्यों अपमान कर रहे हो? हिंदू समाज तब कहाँ था जब मिहिर बोझ की मूर्ति के आगे जाति सूचक शब्द लगाया जा रहा था आशा शर्मा द्वारा? तब कहाँ था ये हिंदू समाज? गाजियाबाद का हिंदू समाज बताएं, गाजियाबाद सबसे ज्यादा राजपूत वोट है, गाजियाबाद का एमपी एक तवर राजपूत है बीके सिंह तवर, लेकिन वो कभी भी क्षत्रिय समाज की आवाज नहीं उठाते, इतिहास चोरी पर नहीं बोलते। आप मुझे बताओ कि ऐसे ही बीजेपी सबको डाइवर्ट करती है कि देखिए मुझे बताओ जी आपने लिखाया है समान भाई से खरीदे भाई जान से नहीं, ठीक है आपने लगाया है, मुझे बताओ
कि जो बीजेपी सरकार है वो जब रोटी देती है या कुछ भी देती है तो वो धर्म से देखकर दे रही है क्या फायदा? नहीं दे रही। जब उनको आपत्ति नहीं तो तुम उनके कहने पर कैसे चल रहे हो? और दूसरी बात, आप खुद बताओ कि महाराणा प्रताप जो थे वो हिंदुओं के लिए कैसे लड़े थे? हिंदुओं के लिए वो सिर्फ मेवाड़ में थे, उनसे बाकी भी राजपूत योद्धा थे जगह जगह, मेवाड़ में उन्होंने जरूर लड़े होंगे लेकिन वो स्वाभिमान के लिए लड़े थे, ना कि हिंदुओं के लिए। वो सभी धर्म के लिए लड़े थे। उन्होंने बोला कि भारत देश पर आक्रांतकारी, जो बाहर के आक्रांतकारी हैं, वो हमला नहीं कर पाए। आपने अगर ये शब्द लगाना था तो आप लगा सकते थे मिहिर बोस के आगे, वहां पर किसी दूसरी जाति का बताकर प्रचारित करने वालों पर आप उनसे पूछ सकते थे, वहां लगा सकते थे। उन्होंने अरबों को खदेड़ा था और उन्होंने पप्पा रावल ने खदेड़ा था, उनको कर सकते थे। लेकिन मिहिर बोस को छोड़ आप महाराणा प्रताप, जिसका जो सेनापति था वो हकीम खां सूरी, एक मुस्लिम पठान था, आपने महाराणा प्रताप का अपमान कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि सामान बाई से खरीदना, बाई जान से नहीं। तो महाराणा प्रताप ने अपने जोते बाई से नहीं खरीदे, बाई जान से खरीदे थे। महाराणा प्रताप का जो योद्धा था, जो महाराणा प्रताप का जो सेनापति था, वो एक मुस्लिम पठान था, हकीम खां सूरी था। तब बात स्वाभिमान की थी, हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं थी। महाराणा प्रताप को हिंदू सूर्य कहना बहुत बड़ा अपमान है। जे कि जे हम कह सकते हैं कि ये स्वाभिमान का प्रतीक है कि इस भारत को झुकने नहीं दिया। उनको सभी हिंदुओं को भी मानना चाहिए, सभी मुस्लिमों का भी मानना चाहिए, सिखों को भी मानना चाहिए, ईसाई को भी मानना चाहिए, पूरे देश में हर धर्म को मानना चाहिए। महाराणा प्रताप सिर्फ हिंदुओं के ही नहीं, मुसलमानों के भी हैं और तुमसे ज़्यादा हैं, क्योंकि उनका साथ सेनापति, उनका हकीम खां सूरी एक मुस्लिम पठान था। और महाराणा प्रताप के आगे फोटो लगाकर वो क्या सोच रही होगी आज? आज उनका अपमान किया है। उनकी सेना में, हकीम खां सूरी की सेना में कितने मुस्लिम पठानों ने अपनी शहीदी दी थी, आपने उन सब का अपमान किया है। पूरा क्षत्रिय समाज इस फोटो का बायकॉट करता है। क्या क्षत्रिय समाज ने ही ठेका ले रखा है? और भी दो बहुत समाज इस देश में, हिंदुओं में हजार से ज्यादा जातियां हैं, सिर्फ क्षत्रिय समाज ही करता मरे, क्षत्रिय समाज ही हर चीज में आ गया है। बाकी जाति के लोग वो लगाएं अपने घरों में ये पोस्टर, वो लगाएं अपने चौकों में ये फोटो, वो लगाएं, कोई बात नहीं, वो लगाएं, वो आगे आए। अब जब क्षत्रिय युद्ध लड़ने जाते थे मुगलों से या बाकी वालों से, तब वो लोग तमाशा देखते थे, और आज उनके पास पूरा मौका है, जो करना है करो, लेकिन क्षत्रिय समाज को बीच में क्यों ला रहे हो? ये कोई लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र है जी। जो भी नूह में बात में हुआ है, बहुत ही ज्यादा उसका हम निंदा करते हैं, दोनों तरफ से निंदा करते हैं, चाहे बिट्टू बजरंगी था, चाहे मोनू मानेसर था, चाहे जो मेवाती के मेओ में से जो भी उनके ठेकेदार थे, जिन्होंने गलत किया है, जिन्होंने भी हमला किया, जहाँ जो भी किया, उसका हम उसकी हम बिरचोर विरोध करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने भी किया है, सभी लोग, चाहे जिसके ज्यादा लोग हों, उन सभी को दंड देना चाहिए। लेकिन इसका ठेका क्षत्रिय समाज ने ले रखा है क्या? ये सरकार बोलती है कि हिंदू खतरे में है। अगर तुम्हारी सरकार में ही हिंदू खतरे में है तो तुम्हें क्यों लाया हमने? तुम्हारी सरकार में ही हिंदू सेव नहीं है तो दे दो, क्षत्रियों को दे दो, वो सबको सुरक्षित कर देगी। शेर सिंह राणा जी जो आरजेपी पार्टी के हैं, शेर सिंह राणा जी ने चैलेंज दिया है कि अगर तुम्हें सरकार तुम्हारे से नहीं संभल रही, जब तुम्हारे राज में ही हिंदू खतरे में है, तो तुम्हारी जो आईटी साल वाले बोलते हैं हिंदू खतरे में है, तो शेर सिंह राणा को दे दो मौका, वो हिंदू को भी सुरक्षित कर देंगे और मुस्लिम भाइयों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सभी धर्म जहां पर सुरक्षित रहेंगे और ना ये लड़ाइयां फैलेंगी। 50-60% युवाओं को इन्होंने इसी चीज में लगा रखा है। और क्षत्रिय समाज का इतिहास चुरवाती है, सरकार कितनी जगह चुरवा बैठी है, चाहे वो दादरी हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, अक्षरधाम हो, जमुना नगर हो, चाहे कैथल हो, अभी जो मुद्दा है उस चीज को इन्होंने ठंडा किया, इन्होंने डाइवर्ट कर ही दिया। इन्होंने क्षत्रिय समाज को, ये क्षत्रिय समाज को डर दिखाया जाता है, धर्म का डर दिखाते हैं। क्या क्षत्रिय समाज इतना कमजोर है? क्षत्रिय समाज पहले भी 5-10% होते हुए नहीं डरा, हमारे बाप दादे कभी नहीं डरे और हमने ना कभी अंधभक्ति की, तो क्षत्रिय समाज इतना कमजोर है क्षत्रिय समाज?
आज भी पहाड़ों में चले जाओ, जम्मू कश्मीर में, जम्मू के पहाड़ों में चले जाओ, आज भी जहाँ जहाँ दूसरे धर्म की ज्यादा वादी है वहाँ पर ठाकुर बाहुबल के साथ रहता है अभी भी और हजारों सालों से रहता आया है, वो कभी नहीं डरा। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, बॉर्डरों पर, राजस्थान के बॉर्डरों पर, बाड़मेर, हर जगह क्षत्रिय सुरक्षा करते आया है इस देश की, सब जगह क्षत्रिय कभी डरा ही नहीं कभी क्षत्रिय। इस देश का नाम क्षत्रिय राजा भरत के नाम पर है और आज तो लोकतंत्र है, आज तो वो लड़ाई तो होनी नहीं, आज तो टेक्नोलॉजी का सिस्टम है, तो इस लोकतंत्र में हम कुछ नहीं कर सकते। ये बस बेवकूफ बनाया जाता है अभी जो मुद्दा ठंडा करने के लिए, ये पता करना पड़ेगा कि किसकी साजिश है। और देखने की बात यह है किसमें क्षत्रिय समाज को ही क्यों उड़ता तीर लेते हुए दिखाई देता है, क्या क्षत्रिय समाज बेवकूफ है, बाकी वाले नहीं है इस देश में, वो करें ना, क्या हिंदू सिर्फ क्षत्रिय है, शतर धर्म का अपमान ही करना है आप लोगों को, क्या बाकी लोग नहीं आ सकते आगे, अभी आप आओ ना, हजारों सालों से हमने जो करना था वो किया, अब आप क्यों नहीं करते। क्षत्रिय समाज का अपमान किया जा रहा है, महाराणा प्रताप का अपमान किया जा रहा है, महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान सूरी का अपमान किया जा रहा है, ये चीज हमें हिस्ट्री में कहीं नहीं लिखी है। ये क्षत्रिय समाज को बेवकूफ बनाना बंद करो, अगर तुम्हारे राज में ही हिंदू खतरे में है, तुम एक दो दंगा करवा देते हो तुम्हारे ही राज में, तुम्हारे ही जगह पर, तुम उस चीज को क्यों नहीं रोक पाते, तुम क्यों नहीं रोक पाते उस चीज को, तुम जातिवाद क्यों बढ़ाते हो, मिहिर बोझ के आगे दूसरा शब्द क्यों लगाते हो, मिहिर बोझ की जाति क्यों बदलते हो, हमने नहीं बोला कि तुम मिहिर बोझ के आगे राजपूत लगाओ, लेकिन दूसरी जाति का भी तो नहीं ना लगाओ, जातिवाद फैलाते हो और कभी हिंदू मुस्लिम करवाते हो, क्यों नहीं इस चीज़ को रोक पाते, तुम रोको ना, अगर तुम्हारे राज में तुम बोलते हो एक दो दंगा कहीं हो जाता, तुम्हारे आईटी साल बोले बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है, तुम्हारा राज, तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी हिंदू खतरे में, हमारा राज में नहीं था, 12वीं सदी के बाद पृथ्वीराज चौहान के बाद दिल्ली हमने कभी कब्जे में नहीं ली, चाहे उसके बाद आगे पीछे हमारा राज था, लेकिन जब तक दिल्ली पर हमारा राज था तो कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था इस देश की तरफ, कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था इस देश की तरफ, लेकिन आज तुम्हारा दिल्ली में राज है, पूरी सरकार है तुम्हारी, फिर भी हिंदू खतरे में, कैसा हिंदू खतरे में, ये लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। अगर तुम्हारी जगह क्षत्रिय होते आज कोई भी नहीं क्षत्रिय में होता, आज गीता में भी यही लिखा है कि इस देश का राजा क्षत्रिय ही हो सकता है, अगर उसके बिना और कोई राजा बनेगा तो इस देश का विकास ही नहीं हो सकता। तुम कहना क्या चाहते हो, कौन सा हिंदू खतरे में, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, तो कोई हिंदू खतरे में नहीं है, ये सरकार खतरे में है इसीलिए बोलती है, जब सरकार खतरे में हो जाती है तो ये भाषण यही देती है, और महाराणा प्रताप का अपमान किया जाता है हर बार।